अभी तक जो हमने पीछे डिस्कशन की वो असल के बारे में थी कि हनफीज की ओपिनियन क्या है, असल कौन असल के बारे में, और जमहूर की राय क्या थी। अब आते हैं हम वसफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। हनफी फोकहा हनफीज के नजदीक जो वसफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो चीजें आती हैं, हनफीज कहते हैं कि वसफ के अंदर सब्जेक्ट मैटर, ये वसफ है यानी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसका मतलब है ये वसफ में प्रॉब्लम है। तो हनफीज फोकहा सब्जेक्ट मैटर को, इसी तरह पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उनके अंदर जो फिर रेबा धरर डिसेप्शन एटसेट्रा, ये चीजें अगर कॉन्ट्रैक्ट में आएगी तो इसका मतलब है सब्जेक्ट मैटर में प्रॉब्लम होगा, तो हनफी कहते हैं ये वसफ में प्रॉब्लम है। और पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉब्लम हुआ तो हनफी के नजदीक अगेन ये वसफ में प्रॉब्लम है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में रिबा है, गरर है, डिसेप्शन है, तो ये अगेन वसफ में प्रॉब्लम है। तो इन चीजों के होते हुए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर असल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इन वसफ में से किसी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है तो हनफी कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट इररेगुलर कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा या हम उसे फासिद कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अच्छा, जबकि अगर हम हम्बली और दूसरे जुरिस्ट को देखें तो उन वो ये कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर और पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये वसफ में नहीं है बल्कि उनके नज़दीक ये असल में कहलाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर असल और वसफ की डिबेट है, ये डिबेट बुनियादी तौर पर हनफी जुरिस्ट की डिबेट है। हनफी जुरिस्ट इस वसफ की बात करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर एक असल होती है और एक वसफ होता है, तो वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनको ये सेग्रीगेट करना होता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इररेगुलर है और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इररेगुलर और इनवैलिड की, दोनों में डिफरेंस क्या है, इररेगुलर कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, अपना वैलिड इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। सो लेट्स सी, इस तरफ हम ले लेते हैं इररेगुलर कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम अक्दे फासिद कहते हैं, और इस तरफ हम लेते हैं अक्दे बातिल जिसे हम इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अक्दे फासिद के अंदर वो ये कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड contract is executed after the offer and acceptance irregular contract के अंदर contract execute हो जाता है। but जब हम invalid contract को देखते हैं अक्ते बातिल को तो हम ये कहते हैं कि भी कॉन्ट्रैक्ट, ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एग्जीक्यूटेड इवन आफ्टर द ऑफर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, नॉट इवन आफ्टर इवन आफ्टर द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट से एग्जीक्यूट नहीं होता। अच्छा, इस एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? इस एग्जीक्यूशन का मतलब ये है
कि यहां वो ये कहते हैं कि ओनरशिप एंड रिस्क रिलेटेड टू द एसेट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर, के यहां पर जो रिस्क हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना जरूरी होता है। हाउएवर कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मैंडेटरी। कैंसिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना वाजिब हो जाता है, आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं रख सकते, अदरवाइज गुनाह होगा क्योंकि आपने शरिया के रूल्स की वायलेशन की है। तो ये है अक्द फासिद। अच्छा, अक्द बातिल के अंदर जब आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एग्जीक्यूटेड इवन आफ्टर द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसका मतलब है ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं होती। अब इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई चीज बेची और उसके अंदर वसफ में प्रॉब्लम था, अनसर्टेनिटी थी, और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, घड़ी उसने उसके हवाले कर दी और कीमत उसने उसके हवाले कर दी। अब घड़ी बायर के हाथ से, लेट से घड़ी परचेज की थी, अब बायर के हाथ से घड़ी गिर कर टूट गई, तो कहते हैं कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जीक्यूट हो गया था। कैंसिल इसलिए नहीं हो सकता कि अब घड़ी डैमेज हो गई है, अब वो ही एसेट नहीं रहा। अक्द बातिल ये कहता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इफ अक्द बातिल होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिरे से होगा ही नहीं। अब उसके हाथ से जो घड़ी टूटी है तो वो फिर उसके डैमेज पे करेगा। क्यों? इसलिए कि ओनरशिप, वो घड़ी की ओनरशिप उसको मिली ही नहीं थी, वो घड़ी का सिरे से ओनर ही नहीं बना था। तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट अक्द बातिल होगा, हम कहेंगे कि ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अक्द बातिल एंड अक्द फासिद, हम कहेंगे। और ये हनफी ज्यूरिस्ट कहते हैं। और अगर हम देखें, हम इनको जमहूर को, तो उनके नजदीक अक्द फासिद भी अक्द बातिल है, और नो डिफरेंस बिटवीन अक्द फासिद एंड अक्द बातिल एज पर जमहूर।